News 18, India. और एक ब्रेकिंग न्यूज है, तेजस्वी यादव ने आज विधायक दल की बैठक बुला ली है। उन्होंने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कह दिया है। विधायकों के साथ तेजस्वी यादव की बैठक आज शाम राबड़ी आवास पर होनी है। इस बैठक के मायने अब ये है क्योंकि 12 तारीख का वो दिन है जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। अब ऐसे में क्या जो भी जुगत बाकी रह गई होगी वो लगाते हुए तेजस्वी यादव यहाँ से दिखाई देंगे क्या, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तेजस्वी यादव ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। जितने भी विधायक हैं आरजेडी के, उन सभी को कह दिया है कि आज पटना में ही रहना होगा। अब विधायकों के साथ आज शाम का वो वक्त होगा जब राबड़ी आवास पर ये बैठक होगी और इस मीटिंग में चर्चा जरूर यहाँ पर की जाएगी। आपको अभी भी बता दें कि आरजेडी के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी और जेडीयू में। वहीं बिहार में 12 फरवरी को नीतीश को बहुमत साबित करना है और उससे पहले जेडीयू ने अपनी सभी विधायकों को एकजुट करने की कवायद भी शुरू कर दी है। जेडीयू ने अचानक से अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू के ज्यादातर विधायक पटना पहुंच गए हैं और आज दोपहर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सभी विधायकों को भोज पर आमंत्रित किया गया है। तो वहीं 11 फरवरी को शाम 5 बजे मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी। इस बैठक के जरिए विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने विधायकों के टूटने के दावों को नकार दिया है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। हाँ, चूंकि हम लोग साथ बैठते थे तो बातचीत हो सकती है और बातचीत होने का ही नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज एक चैनल पे हमने देखा है जिस पर माननीय मंत्री श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटु आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है तो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन हैं उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। और इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं होने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी की तरफ से ये दावा किया गया कि 12 फरवरी को एनडीए के कई विधायक अंतर आत्मा से वोट करेंगे। सत्ताधारी दल के जेडीयू और बीजेपी के अपने अंतर आत्मा से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है ये दिख रहा है। जो भी होगा 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा, ये सरकार रहेगी या जाएगी ये अभी श्योर तो नहीं दिख रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जी के शासनकाल के जो डिप्टी सीएम रहते हुए, सरकार में रहते हुए 17 महीने का काम है, जो लंबी लकीर खींची काम का, वो एनडीए के 17 वर्षों के काम पर भारी है। कांग्रेस के विजय शंकर ने दावा यह किया कि 12 फरवरी को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार स्पीकर के लिए लाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाएगी। विजय शंकर ने कई विधायकों की कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा भी कर दिया है। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेडली अपने घटक दल आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम माले के साथ है और पूरी तैयारी के साथ सरकार के जो विश्वास मत सदन में आया है उसको परास्त करने की हमारी कोशिश होगी। परिणाम कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस नहीं टूटेगी। और उधर दूसरी तरफ जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला कर दिया है। जेडीयू नेता नीरज सिंह ने कह दिया कि 12 तारीख को विश्वास मत वाले दिन खेला नहीं बल्कि मेला लगने वाला है। फ्लोर टेस्ट के दिन उसी ड्रेस में, वेशभूषा में, चुट्टा कमंडल त्रिशूल देकर के आप विधानसभा भेजिए, मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं, तो बिहार के लोग को भी एहसास हो जाए कि आप कहां कहां टूरिज्म करा रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट बना दिया है। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहे।
दरअसल नीतीश को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। तेजस्वी यादव ने खेला होने का दावा कर दिया। 12 फरवरी को खेला होने का तेजस्वी ने दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। इस बीच जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। 11 फरवरी यानी कल जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। 12 फरवरी यानी सोमवार को नीतीश को बहुमत साबित करना है। और एक और बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े भारत रत्न सम्मान को लेकर सियासत अब बहुत तेज हो गई है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ साझा की थी। हालांकि पीएम मोदी के ट्वीट के तुरंत बाद सियासत अब तेज हो गई, जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया तो वहीं विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बता दिया। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की सरकार से मांग की। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार को बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की उदारता दिखानी चाहिए। तो ये ट्वीट किया गया है MNS अध्यक्ष राज ठाकरे की तरफ से। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है। राज ठाकरे ने लिखा है कि केंद्र सरकार को बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो 5 लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया। कल पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें 3 लोगों का नाम है। इसमें आपको बताएं पीवी नरसिम्हा राव, इसके अलावा MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो अब उधर महाराष्ट्र से भी मांग उठने लगी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, MS स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान मिलना देश और समाज के विकास में उनके योगदान को अमर कर देता है। तीनों ही महान शख्सियतों को सादर नमन। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया। जो भारत रत्न का ऐलान किया गया उस पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। भारत रत्न सम्मान को लेकर जहां विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, वहीं शिवसेना वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठा रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की भेदभाव वाली राजनीति बता रही है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले की बात कह रही है। ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। वी का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। कि चुटकी लेने के लिए तो आप ले सकते हो, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करनी चाहिए। जी का स्लोगन बड़ा साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी हमारी प्रतिभाएं नहीं है जिनने इस देश के निर्माण में योगदान किया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर कभी भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उनने किया है, मुझे लगता है देश का हर वर्ग सराहेगा। चाहे वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आदरणीय अडवाणी जी का नाम हो, चाहे वो आदरणीय चरण सिंह जी का नाम हो, चाहे आदरणीय नरसिम्हा राव जी का हो। और मुझे गर्व है कि कर्पूरी जी के अलावा बाकी जो नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे कम से कम उनकी सानिध्य में राजनीति करने का मौका मिला। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने भारत रत्न सम्मान को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब भारत रत्न पे भी राजनीति कर रही है। आप अगर बिहार से देखिए तो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दिया लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। आडवाणी जी के साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन वोट की राजनीति के लिए आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया। आज भी जो भारत रत्न दिए गए हैं तीन, वो केवल वोट बैंक की राजनीति है।